हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में स्ट्रीट स्टाइल बनने वाले आलू के पकोड़े की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। हमने इस वीडियो में सारे टिप्स और ट्रिक बताए हैं आलू के पकोड़े को स्ट्रीट स्टाइल में कैसे बनाना है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू की जाए बनाना। इन आलू के पकौड़ों को बनाने के लिए हम बेसन का एक बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 250 ग्राम बेसन लिया है। अब हम बेसन में कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रंग के लिए हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सारे मसालों को हम बेसन के साथ में मिला लेंगे। मसालों को बेसन के साथ में मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार, और हम इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। आलू के पकौड़ों को बनाने के लिए आप बैटर को पतला बिल्कुल मत बनाइएगा, नहीं तो पकौड़े अच्छे से नहीं बन पाएंगे। और एक ज़रूरी बात यह है कि यदि आप चाहें तो इन पकौड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए बेसन के बैटर में आप थोड़ा सा चावल का आटा या फिर आप पोहा पीस करके भी ऐड कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि इस बैटर को तैयार करते समय कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और बेसन को आप पानी के साथ में खूब फेंटिएगा। इससे बैटर बहुत ही स्मूथ और फ्लफी बनके तैयार होता है, जिससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे टेक्सचर के बनके तैयार होते हैं। स्ट्रीट स्टाइल में बेसन के बैटर को बिल्कुल इसी तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे उनके पकोड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। और ये बेसन का बैटर तैयार हो चुका है। पकोड़ों का टेक्सचर अच्छा आए और देखने में सुंदर लगे तो उसके लिए हम इसमें खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया को भी हम बेसन के बैटर के साथ में मिला लेंगे। और ये बैटर अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, जब हम इसे स्पून से गिरा रहे हैं तो इसमें रिबन जैसा बन रहा है। बिल्कुल हमें इसी तरह का बैटर चाहिए इन आलू के पकौड़ों को बनाने के लिए। आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमें आलू भी चाहिए, तो उसके लिए हमने दो बड़े साइज़ के आलू को छील करके धुल करके और उसे हमने पतले पीस में इस तरह से काट लिया है। इसे काटने के लिए हमने नाइफ का इस्तेमाल किया था। यदि आप चाहें तो चिप्स कटर से भी इसे आप काट सकते हैं। आलू को धुलने के बाद हमने इसके सारे पानी को अच्छे से सुखा दिया था। आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं लगा रहना चाहिए, नहीं तो पकौड़े अच्छे से नहीं बन पाएंगे। ये ज़रूरी पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम आलू का एक पीस लेंगे और इसे हम बैटर में डिप करेंगे। जब हम आलू के पीस को बेसन के बैटर में डिप कर रहे हैं तो बेसन की जो कोटिंग है बहुत ही अच्छे से हो रही है। बैटर हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। अब हम इसे तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। आलू के पकौड़ों को फ्राई करने के लिए तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से। तेल से अच्छी हीट आने लगी है। अब हम एक एक आलू के पीस को बेसन के बैटर में डिप करेंगे और इन्हें हम तेल में डालते जाएंगे। पकौड़ों को हम शुरू में बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, इन्हें हम एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे, तभी हम इन्हें टर्न करेंगे। और ये पकौड़े एक साइड से अब सिक चुके हैं, इन्हें हम टर्न करेंगे। इन्हें टर्न करने के बाद हम इन्हें अलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और एक ज़रूरी बात यह है कि इन आलू के पकौड़ों को फ्राई करते समय कि आप इन्हें जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे। हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए, पकौड़े ये फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी आलू के पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी मार्केट नहीं जाएंगे आलू के पकौड़ों को खाने के लिए। घर में ही आप इन पकौड़ों को बना करके अपने फैमिली के साथ में इंजॉय करेंगे। और ये लास्ट बैच के आलू के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम तेल से अलग कर लेंगे और अब हम इन पकौड़ों को सर्व करेंगे।
हमने इन पकौड़ों को दो तरह की चटनी के साथ में सर्व किया है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। वैसे ये पकौड़े खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि आप चटनी का तो इंतज़ार ही नहीं करेंगे। स्ट्रीट स्टाइल आलू के पकौड़े की ये रेसिपी दोस्तों यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आप हमारी रेसिपीज़ को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप इसे हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।